सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M11 डिवाइस के बारे में, और इसके लिए जो नया अपडेट है वो रिलीज किया गया है, उसको आने में यहाँ पर 6 महीने का लंबे समय है ना, वो आप लोगों को देखने को मिल चुका है। सो इतने महीनों बाद में अपडेट है वो सैमसंग की ओर से रिलीज किया गया है। तो अपडेट के अंदर आपको कौन कौन से नए फीचर और चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं, और क्या आप लोगों को फ्यूचर में सैमसंग M11 डिवाइस के अंदर कोई बड़ा मैसिव अपडेट है वो मिलेगा या फिर नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पर प्रेस कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M11 डिवाइस के बारे में, और इसके लिए जो नया अपडेट है वो रिलीज किया गया है, इसकी डिटेल्स के बारे में। तो गाइस, अपडेट की जो साइज है वो आपको देखने को मिलती है 522.61 MB, तो ठीक ठाक साइज का आप लोगों को अपडेट है वो मिल जाता है। अब इसके अंदर आपको 3 एप्लीकेशन के जो अपडेट है वो साथ में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट तो है वॉइस चेंजर, सेकंड है आपकी सैमसंग मेंबर्स एप्लीकेशन, और थर्ड आपको मिलती है कैलकुलेटर एप्लीकेशन। तो ये 3 एप्लीकेशन है, इनके अपडेट है वो आपको साथ में देखने को मिलते हैं। तो 100-150 MB है वो तो आप लोगों को यहाँ पर अपडेट की इन्हीं 3 एप्लीकेशन की मिल जाती है। तो अप्रोक्स 450-450 MB का आप लोगों को अपडेट की साइज है वो मिल जाती है। और वही मैं आप लोगों से बात करूं अपडेट के अंदर आपको कौन कौन से चेंजेस है वो मिलते हैं, तो फर्स्ट चेंज है ना वो यहाँ पर किया गया है 1 मई 2023 का सिक्योरिटी पेज लेवल का जो अपडेट है वो देखने को मिलता है। और अगर आप लोग सैमसंग गैलेक्सी M11 डिवाइस है वो यूज करते हो तो आपको पता ही होगा इसके लिए जो पीछे वाला अपडेट है वो रिलीज किया गया था 1 नवम्बर 2022 को अपडेट है वो रिलीज किया गया था, और जो अभी अपडेट है ना वो यहाँ पर आया है वो आया है 1 जून 2023 को। तो यहाँ पर आप लोग मान सकते हो 6 महीने का लंबा समय है ना वो आप लोगों को देखने को मिलता है अपडेट को आने में। तो यही आपके फोन के अंदर चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपके फोन की परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज किया जाएगा, फोन की जो आप लोगों को स्टेबिलिटी है वहां पर अच्छी देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर सैमसंग की ओर से कहा जाता है। लेकिन ये चीजें है ना वो आपको कुछ भी नहीं मिलती है, क्योंकि फोन की एक एज है ना वहां पर होती है, उसके बाद में अगर आप लोग उसको यूज करोगे तो फोन है उसके अंदर आपको लैगिंग की, बैटरी ड्रेन की इशू, या फिर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन को यूज करोगे वो क्रैश हो जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पर मिलेगी ही। तो आप लोग अपने फोन को यहाँ पर चेंज कर सकते हो किसी नए डिवाइस के साथ में। एक्सचेंज के ऊपर आपको काफी अच्छे ऑफर्स है वो आजकल यहाँ पर नए डिवाइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, और आराम से आप लोगों को M11 डिवाइस के 7,000-8,000 रुपीज है वो यहाँ पर एक अच्छे स्मार्टफोन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ्यूचर में इस डिवाइस के अंदर आपको कोई नया अपडेट है वो मिलेगा या फिर नहीं, मतलब कि मैसिव एंड्रॉइड का अपडेट या फिर One UI का अपडेट है वो मिलेगा या फिर नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो अपडेट पॉलिसी है M11 डिवाइस के लिए वो ऑलरेडी यहाँ पर एंड हो चुकी है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको फ्यूचर में और वीडियो चाहिए M11 डिवाइस के रिलेटेड तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।